कल क्लास में तुम लोग को मैसूर के बारे में भी बताया गया था। उसमें हमने हैदर अली के बारे में पढ़ा, उसका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बारे में जाना, 1767 से 1769 है ना, किस तरह तुम लोग को पहले भी डिटेल में बता दिया गया था कि एक्चुअली कोलिशन हुआ था हैदर अली के अगेंस्ट, हैदर अली ने उस चीज़ को ब्रेक कर दिया और अपने पक्ष में ले आया है, जानते हो तुम लोग। उसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वार तुमको देखने को मिला जिसमें हैदर अली मर गए थे और यही चीज़ कंटिन्यू करके तुम्हारा टीपू सुल्तान आगे ले गया। टीपू सुल्तान के बारे में क्या बोले, बहुत कुछ किया है इन्होंने, है ना, इन्होंने 3 डॉकयार्ड्स बनाया था मैंगलोर में, वजीराबाद में और मुलिदाबाद में। उसका थर्ड एंग्लो मैसूर वार होता है जहाँ पर टीपू सुल्तान हार जाता है और अपना हाफ टेरिटोरी ब्रिटिश को दे देता है, अपना 2 बच्चा भी एज अ होस्टेज दे देता है वहाँ पर। उसका फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ था 1799 में, जहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली बहुत एक्टिव थे और इसमें जिक्र आता है आर्थर वेलेस्ली जो कमांडर इन चीफ थे उस समय के, इम्पॉर्टेंट है जी, जैसे कूट इम्पॉर्टेंट उसी तरह ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो सब्सिडियरी ट्रीटी साइन हुआ है, उसके बाद फिर से वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया था वुडियार डायनेस्टी जो था विजयनगर से निकला हुआ था, ताकि पीपल का कॉन्फिडेंस जीत सके वो। उसके बाद सिख स्टेट का बात करते हैं तो उसमें हम लोग मिसल्स का बात करते हैं, रंजीत सिंह के बारे में बात होता है। रंजीत सिंह के बारे में क्या बोले, रंजीत सिंह का जो आर्मी था वो एशिया का सेकंड बेस्ट माना जाता था आफ्टर ब्रिटिश, ये सभी चीज़ थे। उसके सक्सेसर खरक सिंह थे, ननिहाल सिंह थे, ये सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया गया है, उन लोगों को बताया गया था। उसका एंग्लो सिख कन्फ्लिक्ट हुआ था तो मैंने बताया था कि वेस्ट ऑफ सतलज शुरू में बोल दिया गया था कि इधर तुम्हारा सिख का रहेगा। अब सिख बना भी कैसे स्टेट, तो लाहौर को कैप्चर करके फिर अमृतसर को करके फिर कंपाइल करके मिसल्स बना था तुम्हारा रंजीत सिंह के अंडर, है ना। तो बाद में मगर ये नहीं हुआ और तुम लोग को बता भी दिया गया था कि देखो इसके बाद ही एंग्लो सिख कन्फ्लिक्ट ही एक्चुअली पढ़ना था ना हम लोग को, तब ना एंग्लो अफगान कन्फ्लिक्ट, हाँ उसमें गलत है ना, देख रहे हो उसमें एंग्लो अफगान कन्फ्लिक्ट कल कहाँ बताए थे, नहीं बताए थे तो कल, इसीलिए हम कन्फ्यूजन में थे ना, हमसे सही तो थे इसका मतलब, वहाँ पर पेजेस घट गया इसीलिए हम बोले थे कि नया है ये, हम बताए नहीं, मयो का अभी तक जिक्र ही नहीं हुआ इस क्लास में और तुम लोग बोल रहा है कि हो गया है, इसका मतलब तुम लोग ज़्यादा कन्फ्यूज है। हाँ सिख तक हुआ था, सिख तक हमको ही पता है, उसमें क्या दिया गया, देखो एंग्लो अफगान कन्फ्लिक्ट के बाद दिया गया था उस डायग्राम में, पहले जो डायग्राम में भेजे थे उसमें एंग्लो अफगान के बाद दिया गया, ये पेज दिया गया है, तो ये ऊपर वाला टॉपिक तो एंग्लो अफगान कन्फ्लिक्ट दिया ही, अभी हम नहीं करते तुम लोग का छूट जाता, इसका मतलब तुम लोग खुद अवेयर नहीं हो अपने नोट्स से, तुम लोग खुद अवेयर नहीं हो अपने नोट्स से, ये तो लग रहा था हम कंफ्यूज नहीं है तुम लोग कंफ्यूज हो, समझ में आया क्या वो कहाँ बोल रहे हैं हम, यू शुड अवेयर ऑफ योर नोट्स ना, बहुत बड़ा अभी मिस्टेक हो जाता, अफगान के बारे में नहीं जानते तो तुम लोग को पहले बताया थे कि ब्रिटिश ने बहुत अफगानिस्तान के साथ लड़ाई किया था, हार गया था, उसका क्रोनोलॉजी तो अभी तो गड़बड़ा जाता फिर क्रोनोलॉजी, आर यू गेटिंग मी, इसलिए थोड़ा नोट्स को भी देख लिया करो, मिस्टेक सभी से हो सकता है। देखो एंग्लो सिख कन्फ्लिक्ट से स्टार्ट करते चीज़ों को, देखो ब्रिटिश अलार्म्ड हो गया, क्यों, क्योंकि रंजीत सिंह के अंदर जो अचीवमेंट्स हो रहे थे इसे अलार्म हो गया। उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुआ था 1809 में, ठीक है, और इस ट्रीटी में बाबू फिक्स किया गया था कि रंजीत सिंह का स्टेट अपना सदर्न वो फिक्स रहेगा रिवर सतलुज के उधर वेस्ट साइड रहेगा, इसमें रंजीत सिंह का जो इन्फ्लुएंस होगा सतलुज रीजन तक, ठीक है, उसको चेक किया जाएगा। आफ्टर रंजीत सिंह उसके बाद वीक सक्सेसर हुए तो पॉलिटिकल सिस्टम डिक्लाइन हो गया पूरी तरीके से, कल बताए थे, और ब्रिटिश इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी समझना शुरू कर दिया, ठीक है, सिक्स टू वेयर अवेयर ऑफ ब्रिटिश जेस्चर, सिक्स को पता था ब्रिटिश के बारे में, और यहाँ से तुम्हारा फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845 टू 1846 हो गया, लॉर्ड डलहौजी एक्टिव होंगे यहाँ पर 46। इमीडिएट कॉज सिख का क्या था कि सिख आर्मी क्रॉसिंग सतलज, सतलज जैसे ही क्रॉस किया तो ब्रिटिश का पहले वायलेशन हो गया ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 वाला जो कि उससे किया था, किससे, रंजीत सिंह से किया था, तो एक मौका मिल गया, जैसे ही सतलज क्रॉस किया बोला ना कि वेस्ट ऑफ सतलज आप क्रॉस वहीं तक है आपका, इधर आप नहीं आ सकते हो, तो इस साइड जैसे ही सिख लोग आया मौका मिल गया ब्रिटिश को, ब्रिटिश बोला कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर का वायलेशन है और पंजाब के ऊपर वार डिक्लेयर कर दिया ब्रिटिश ने। इसमें सिख्स को बुरी तरीके से डिफीट किया गया और फिर ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ 1846 में, जहाँ पे लॉर्ड डलहौजी स्टिल एक्टिव है। 48 हाँ बिल्कुल बिल्कुल सॉरी आई एम रियली सॉरी, हाँ उससे पहले दूसरा कोई थे, हाँ ठीक 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 ठीक
वेरी गुड, इसको मैं 56 के तरह देख रहा था। ठीक। हाँ, उससे पहले सक्सेसर है, गवर्नर जनरल में पढ़ लोगे तुम, ठीक है ना? बिल्कुल 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 सही बात है। बाय दिस ट्रीटी दिलीप सिंह वॉज रिस्टोर्ड एज अ किंग। इस ट्रीटी के हिसाब से क्या हुआ कि दिलीप सिंह को किंग की उपाधि दे दिया गया और रानी जिंदावास उसको रिएजेंट के तरह लगे, यानी कि जो काम करेगा। रिएजेंट रिएजेंट पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? जैसे उसमें भी तुम्हारा ताराबाई को भी किया गया था, जब उसका इन्फेंट जब वहाँ पे रखा गया था तो उसे ताराबाई भी ऑफिस संभाल रही थी। इन द सेम ईयर अ सब ट्रीटी वॉज साइन। उसी ईयर में एक और ट्रीटी साइन हुआ था जिसमें 8 सिख सरदार थे, हेडेड बाय द ब्रिटिश रेसिडेंट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्ले द रोल ऑफ रीजेंट फॉर अ माइनर किंग दलीप सिंह। देखो यहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब जो दलीप सिंह माइनर किंग है, छोटा किंग है, उसके बिहाफ में काम करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें 8 सिख सरदार होंगे और ब्रिटिश के इंटरफेरेंस से। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि आप कोर्ट पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हो, समझ रहे हो बात को? सिख रिएक्ट किया एंड रिटालिएशन गेव बर्थ टू सेकेंड एंग्लो सिख वार हो गया 1848-49। अब आएगा, समझ गए? वेरी गुड, ठीक है, इस तरह करेक्ट करते रहो क्रोनोलॉजी। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। इन दिस वार सिख्स वेयर डिफीटेड। इसमें भी हार गया और पंजाब को पूरी तरीके से 1849 में इनेक्स कर लिया गया। यानी कि देखो, मैं तुमको पहले ही बोला था, बिल्कुल दलाउजी सेंट्रल पावर है और उसको बाद में फिर कमिश्नर में डिवाइड कर दिया गया, जिसका लॉरेंच वो थे जो बताए थे तुम लोग को, ठीक है? तो रानी जिंदन और दलीप सिंह को लंदन भेज दिया गया, जहाँ पे दलीप सिंह ने तुम्हारा क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया था। देखो, याद करो सभी चीज़। और उसके बाद देखो, पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन को क्या किया गया, 3 कमिश्नर में डिवाइड किया गया, बताए थे कि नहीं बताए थे? और 1853 में इट वॉज प्लेस्ड अंडर चीफ कमिश्नर और जॉन लॉरेंस, वही लॉरेंस अभी जो बोल रहे थे, लॉरेंस पहला चीफ कमिश्नर बना था। तो ये कल कहाँ बताए थे? नहीं बताए थे कल? हाँ, उससे पहले तक हुआ था, मैसूर का हुआ, खत्म करके बोले थे कि एंग्लो सिख कॉन्फ्लिक्ट कल करेंगे। होप सो समझ में आ गया होगा। देखो, एक एक चीज को तो फैक्चुअल है, तो एक एक चीज को समझना होगा ना। यदि हम छोड़ दिए तो फिर समझाने का मतलब क्या हुआ फिर? हाँ ठीक है। अब देखो, हमारे लिए क्या, हमको तो आता है या फिर हम पढ़ लेंगे तो हमको तो समझ में आ ही जाएगा। इट इज माई ड्यूटी टू डिलीवर, मेरा ड्यूटी है ये, तुम भी समझो और जितना भी समझोगे उतना बेटर तुम्हारा मेंस में फैक्चुअल्स, क्योंकि मेंस में जब फैक्चुअल्स लिखोगे तो यहाँ से तुम लोग लिखोगे, समझे बात को? तो चलो, एंग्लो अफगान कॉन्फ्लिक्ट कर लेते हैं। ब्रिटिश इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान वॉज टू कंट्रोल अफगानिस्तान इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इनकर्सन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, इन पर्टिकुलर टू काउंटर बैलेंस रशियन इन्फ्लुएंस एंड डेवलपमेंट ट्रेड विद सेंट्रल एशिया। मैंने पहले ही बोला था रशियन का पेरिल वर्ड जो बोला था, पेरिल शब्द मैंने जो मेंस में पढ़वाया था, तुम लोगों को करवाया था, तो उस समय मैंने रशियन पेरिल के बारे में जिक्र किया था कि रशिया का जो पेरिल बोलते हैं, रशिया का जो इन्फ्लुएंस था, क्योंकि विचारधारा अलग है रशिया का और यहाँ का अलग है, ये हमेशा से ही अलग रहा है, क्योंकि एक कैपिटलिस्ट क्लास है, एक सोशलिस्ट क्लास है। हालांकि उस समय सोशलिस्ट नहीं बना था, मगर उसका विचारधारा डिफरेंट था, जार था, फिर भी डिफरेंस था उसका। क्यों? क्योंकि 1900 बोल्सेविक मेंशेविक तो बाद का ही फिनोमेना है जी, तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी प्रॉपर वो सोशलिस्ट कंट्री है, इसलिए हाँ। मगर ये है कि जेनेसिस तो खिंचा ही गया होगा, एक दिन में कोई बड़ा रिवोल्यूशन होता नहीं है, बात समझने का प्रयास करो। और कैपिटलिस्ट तो बहुत पुराना इतिहास है, कैपिटलिस्ट तो बहुत, वो तो अमेरिका से स्टार्ट है और उससे ही पहले तुम्हारा इंग्लैंड लोग कर ही रहा था, तो बात समझो यहाँ पे। चूँकि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट अफगानिस्तान, जैसे पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है उस तरह अफगानिस्तान भी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान अभी तक क्यों इंटरनेशनली सर्वाइव कर पाता है, तो इसका रीज़न है स्ट्रेटेजिक लोकेशन को, क्योंकि वहाँ से सभी एशिया में कनेक्ट होता है, चाहे वेस्ट एशिया हो, सेंट्रल एशिया हो, साउथ एशिया हो, इसलिए हम इस चीज़ को चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ट्रेड रूट डायरेक्ट तुम्हारा सेंट्रल एशिया से जुड़ा रहेगा, अफगानिस्तान का मैप देख सकते हो तुम लोग यहाँ से, देखो डायरेक्ट अफगानिस्तान से ऊपर तुमको कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान सब दिख जाएगा, किर्गिस्तान दिख जाएगा, तजिकिस्तान दिख जाएगा, अब सो समझ में आ रहा होगा। तो ताकि ट्रेड रूट सेंट्रल एशिया से मेंटेन रहे और रशियन जो पेरिल हो रहा है, रशियन इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसको कंट्रोल कर सके, इसलिए ब्रिटिश को जरूरी था कि वो इंटरफेयर करे तुम्हारा अफगानिस्तान के पॉलिटिक्स में। दो रीजन है, समझिए बात को ना, वही लिखा गया है। और देखो, ब्रिटिश इंटरवेंशन इन अफगान अफेयर्स गेव बर्थ टू द 3rd अफगान वार्स, तो 3 अफगान वार्स। और जो ब्रिटिश का इंटरफेरेंस हो, वहाँ पे पश्तून लोग हैं, मैंने पहले ही बोला था, तो 3 वार हुआ, अब तीनों वार में धूल चटा दिया ब्रिटिश को अफगानिस्तान में।
लॉर्ड ऑकलैंड वॉज द फर्स्ट टू इनिशिएट द फॉरवर्ड पॉलिसी टू अफगानिस्तान। लॉर्ड ऑकलैंड जो थे, ठीक है, वहाँ के जो थे एडमिनिस्ट्रेटर थे या कह सकते हो, ठीक है, अभी बाद में कंफर्म करेंगे कि लॉर्ड ऑकलैंड क्या थे। जब फैक्चुअल्स में गवर्नर एंड जनरल के बारे में तुम जानोगे तो वो सब आ जाएगा। इस है कुछ दिन बाद है, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के बाद गवर्नर जनरल वाला ही आएगा, डोंट वरी, समझे ना। तो पहले ये बात तुमको समझना होगा कि लॉर्ड ऑकलैंड जो थे वो पहले थे जिन्होंने अफगानिस्तान के लिए पॉलिसी बनाया कि यस आई हैव टू इंटरफेयर इन अफगानिस्तान पॉलिटिक्स इन ऑर्डर टू गेन कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान सो डैट रशियन पेरिल कुड बी चेक्ड एज वेल एज ट्रेड बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड ब्रिटिश इंडिया कुड बी कंटिन्यूड। हाँ, यस, चार्ल्स नेपियर, ठीक है ना, सभी चीज जिक्र आएगा इसमें। देखो उसके बाद ही सेंट एलेक्जेंडर बर्न्स टू किंग ऑफ अफगानिस्तान दोस्त अली, आई टोल्ड यू अली, जो अली टाइटल था, अमीर टाइटल था, टाइटल मिलता था उस समय जो मैंने बताया था मेंस का। तो इसने क्या किया कि अपने एलेक्जेंडर बर्न्स को एज ए एम्बेसडर भेजा अफगानिस्तान के दोस्त अली के पास, बट दिस मिशन डिड नॉट सक्सीड, मगर ये समझा नहीं पाया, ये फेल कर गया इस मिशन को। उसके बाद क्या किया, लॉर्ड ऑकलैंड मेड अ मूव टू रिमूव दोस्त अली, बट दिस वॉज नॉट अ सक्सेस, फिर उसको हटाने का कोशिश किया दोस्त अली को, मैं वो नहीं हटा, ये इस बार भी फेल रहा। ही ने सिर्फ मिलिट्री कैंपेन किया, नेक्स्ट किंग जो तुम्हारा दोस्त अगेंस्ट द नेक्स्ट किंग दोस्त मोहम्मद, जो नेक्स्ट किंग बना था दोस्त मोहम्मद जो था उसके अगेंस्ट भी किया, ठीक है। बाय दिस मूव ही कुड कंट्रोल काबुल, मैं इससे क्या काबुल पे कंट्रोल पा लिया, दोस्त मोहम्मद फ्लाइट और जो था उसको भागा के वहाँ से हटा दिया। न्यू किंग शाह शुजा वॉज इंस्टॉल इन अफगानिस्तान, नए किंग को राजगद्दी पे बैठाया गया, ठीक है। मिलिट्री कैंपेन वॉज फर्स्ट अफगान वार, जो मिलिट्री कैंपेन जो इंटरवेन किया था ब्रिटिश, जिसके वजह से तुम्हारा दोस्त उसको भगा दिया वहाँ पे, दोस्त अली को हटा दिया, मतलब दोस्त अली बोले सेकंड वाला, हाँ, ये किसको, मोहम्मद अली को भगा दिया वहाँ से, और जो नया तुम्हारा शाह शुजा को लगाया है यही फर्स्ट तुम्हारा क्या है, ब्रिटिश अफगान वार है, समझे बात को, क्योंकि मिलिट्री मोबालाइजेशन हुआ है वहाँ पे ब्रिटिश की तरफ से। न्यू किंग वॉज इंस्टॉल इन अफगानिस्तान, द मिलिट्री कैंपेन वॉज फर्स्ट अफगान वार, ये कब हुआ था, 1839 to 42, यानी कि देखो पहले तो सिंध वो करेगा तब पंजाब करेगा, देखो क्योंकि मैंने देखो पंजाब का तुमने जस्ट बताया है ना, पंजाब को कब किया था, देखो 1809 में तुम्हारा पहले किया था और उसके बाद लाहौर का ट्रीटी साइन हुआ था 1846 में, ठीक है। तो अब तुम खुद समझ सकते हो कि इसमें क्या, यस, समझ रहे हो, पहले उसको किया जाएगा, उसको कर लेंगे तो इसको कंट्रोल करना आसान होगा क्योंकि ये सैंडविच हो जाएगा, ब्रिटिश सैंडविच, तो इसको भी कर लो, मैंने बताया था पिछले क्लास में भी बताया था ये चीज़, तो समझोगे क्रोनोलॉजी भी बहुत बड़ा सवाल, क्रोनोलॉजी से भी तुमको पता चलता है कि कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया। सैंडविच हो जाएगा तो क्या, इधर भी मेरा आर्मी है, इधर भी मेरा आर्मी है, बीच में अंदर से दबोच लोगे, या फिर ऊपर मान लो कि इंडिया है, ऊपर तुम्हारा दूसरा कोई है और ऊपर दूसरा कोई है, तो कैसे कंट्रोल करोगे उसको, इससे ज़्यादा ऊपर जाकर कंट्रोल कर लो, फिर बीच में सैंडविच होगा, उसको आराम से खा जाओगे, ये होता है, ऐसा नियम ही है ना। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे देखने को मिलता है। हाँ, दिस वॉर वॉज कंसिडर एज अ फुलिश एक्ट एंड वॉर विदाउट पर्पस, इस जो मिलिट्री कैंपेन चलाया है इसको फुलिश वार कहा जाता है, बिना सोचे समझे, जैसे बैटल ऑफ प्लासी को भी कहा जाता है, मैंने पहले बताया था, ये बिना सोचे समझे वाला एक्ट था और कोई पर्पस नहीं था कि करना क्या चाहता है ब्रिटिश। देखो नंबर वन, फर्स्ट अफगान वार केम टू एंड ड्यूरिंग एलनबर्ग टाइम, 1842 में एलनबर्ग ये तुम्हारे गवर्नर जनरल थे हमारे भारत के, ठीक है, तो उसके टाइम में तुम्हारा ख़त्म हुआ 1842 में, 39 में स्टार्ट हुआ, 42 इतना समय लगा उसको मोबालाइजेशन करने में, शाह को उसमें रखने में, इंस्टॉल करने में, ठीक है। लॉर्ड लॉरेंस, अब लॉर्ड लॉरेंस क्यों ना हो, क्योंकि पंजाब वाले कमिश्नर हैं, ठीक है। इनिशिएटेड पॉलिसी और मास्टरली इन एक्टिविटी, इन्होंने पॉलिसी किया, इस पॉलिसी के हिसाब से रिफर्स टू द नॉन इंटरवेंशन बट बींग वॉचफुल, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे अफगानिस्तान के अफेयर्स में, जो तुम्हारा वहाँ पे शाह शुजा है या फिर उसके जो भी सक्सेसर आएंगे एज इट इज़ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम वॉचफुल होंगे, देखेंगे कहीं कोई चीज़ का बगावत तो नहीं होगा, क्योंकि कोई चीज़ भी होगा तो पंजाब पे असर पड़ेगा, समझ रहे हो बात को। लॉर्ड मैं अभी देखो, मगर ये तुम्हारा लॉर्ड रेंस अभी बने नहीं हैं, ये कमिश्नर तो बाद में बने हैं, क्योंकि देखो कमिश्नर तो बाद में बने, अभी जस्ट बताए थे 1853 में कमिश्नर बने हैं, मैं वो ऐसे कोई किसी को राजगद्दी नहीं मिल जाता, वो पहले से पॉलिटिक में वो रहता है, समझे, जैसे मोदी जी अभी बने हैं तो पहले तो वो सीएम थे कि नहीं थे, अनुभव था तभी बने हैं पीएम, जैसे हमारा भी अनुभव था तभी हम टीचर बने हैं,
और तुम्हारा भी अनुभव था स्टूडेंट का, तभी तुम अभी पढ़ रहे हो। बिना अनुभव कुछ नहीं होता है, समझे बात को? तो यही उनका अनुभव देखो यहाँ पे, देख रहे हो? देखो, द पॉलिसी रिफर टू नॉन इंटरवेंशन बट बींग वॉचफुल। लॉर्ड मायो कंटिन्यू द सेम पर, ये लॉर्ड मायो क्या है, यहाँ पे गवर्नर जनरल है अब बंगाल, ठीक है? तो ये क्या है तुम्हारा, ये इसी पॉलिसी को ले गए। कौन सा पॉलिसी? कि हम इंटरवेंट नहीं करेंगे, मत देखते रहेंगे, केयरफुल वॉच करेंगे। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ये भी हुए हैं उसके बाद, नॉर्थब्रुक भी तुम्हारा गवर्नर जनरल ही रहे हैं, इन्होंने भी सेम पॉलिसी को अडॉप्ट किया। ही हैड टू रिजाइन बिकॉज ऑफ हिज रिमेनिंग पैसिव टुवर्ड, मगर लॉर्ड नॉर्थब्रुक को रिजाइन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये पैसिव पॉलिसी था। पैसिव पॉलिसी मतलब इंटरफेयर नहीं करते थे, और सुर से ठीक है अफगानिस्तान अपना कर रहे हैं दोनों। अब ब्रिटिश लोग चाहता था कि थोड़ा एक्टिव पॉलिसी ले, वॉचफुल में भी तो थोड़ा देखे, क्योंकि अफगानिस्तान को हाथ में रखना बहुत ज़रूरी है। मैं इनका जो रवैया था वो बहुत पैसिव था, एक्टिव नहीं था, पैसिव सुस्त वाला, समझे ना? तो ज़्यादा वो दिमाग नहीं लगाते थे उधर, इसलिए उनको रिजाइन तक करना पड़ा। लॉर्ड लिट्टन, रिपन अच्छा आदमी है लिट्टन, जो कि ये लिट्टन ने बहुत उल्टा पुल्टा काम किया था, सिविल सर्विस में भी एज घटा दिया था, याद करो सभी चीज़। तो लॉर्ड रिपन ड्रॉप मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी, और इसने खत्म कर दिया, और इसने फॉरवर्ड पॉलिसी, यानी कि इनएक्टिविटी वाला पॉलिसी नहीं होगा, पैसिव पॉलिसी नहीं होगा, इसलिए इसको चुना भी गया है गवर्नर जनरल के तौर पे। और भी रोल है, एक रोल ये भी है, तो लॉर्ड रिटन आए हैं तुम्हारा, और सेकेंड अफगान वार वहाँ से हो जाता है 1878 से 80 तक। द वार एंडेड इन 1880, बिफोर दैट ट्रीटी ऑफ गंदमार्क वॉज साइन इन 1879, और 79 में एक ट्रीटी साइन होता है, उस ट्रीटी के हिसाब से लिट्टन प्लान टू डिवाइड अफगानिस्तान इनटू टू पार्ट्स, दो भाग में अफगानिस्तान डिवाइड होगा, ठीक है? लॉर्ड रिपन फॉलोड पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, फिर दूसरे आए नॉन इंटरवेंशन, क्योंकि रिपन साहब रिपन थे जो बात है, क्योंकि रिपन एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे और बहुत ही बड़े दिल वाले थे, ठीक है? वो भले ही गवर्नर जनरल रहे मगर उनके दिल में बहुत सिंपति था इंडियंस के प्रति, और वो चीज़ हमको दिखता है उनके काम से। उन्होंने इक्वलिटी पे बिलीव किया, ठीक है, हर एक चीज़ में। जब तुमको बताएंगे, बहुत सारा चीज़ बताना है लॉर्ड रिपन के बारे में, तुम्हारा छाती चौड़ा हो जाए कि अरे गवर्नर जनरल इस तरह भी हो सकते क्या, बड़े ही नर्म स्वभाव के, लिबरेटर ऑफ प्रेस। इनका जो भी काम है, चाहे इल्बर्ट बिल का बात हो, बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है, इन्होंने अच्छा काम किया था। फिर ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया, यूरोपियन ने मना कर दिया, उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो गया, और प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं इंडियंस को फायदा हुआ वो प्रोटेस्ट से। अरे गेटिंग में थे, रिपन का जब भी नाम आएगा तो समझो कि बहुत ही इंडियन परस्पेक्टिव से बहुत ही अच्छा काम किया था इन्होंने, समझे? तो देखो, तो रिपन भी देखो नॉन इंटरवेंशन, हम एक्टिव हाइपर एक्टिव नहीं होंगे जैसे कि लॉर्ड लिट्टन हुआ था। थर्ड अफगान वार तुम्हारा 1919 में हुआ है, समझे? 1919 यानी कि बहुत बाद का बात है, ठीक है? और एंड हुआ ट्रीटी ऑफ राहुल पिंडी से, ठीक है? और उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वही, क्योंकि 1919 में तुम लोग को वही मंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पढ़ना पड़ता है, तो वो SOS थे, और इधर तुम्हारा वॉइसरॉय थे, तो वॉइसरॉय गवर्नर ऑफ जनरल को रिप्लेस किए थे, याद आ रहा कुछ? तो चेम्सफोर्ड उस समय एक्टिव थे एज अ वॉइसरॉय। थ्री अफगान वार्स कुड नॉट हेल्प द ब्रिटिश टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान, वही थी, इसका मतलब हार गया अफगानिस्तान को, कितना कोशिश किया कंट्रोल करे, कंट्रोल पूरी तरीके से हुआ ही नहीं। ब्रिटिश डेवलप फ्रेंडली रिलेशन, उसके बाद डेवलप करना पड़ा अफगानिस्तान के साथ। ग्रेट एडवांटेज फॉर ब्रिटिश वाज द रशियन इन्फ्लुएंस कुड बी चेक सक्सेसफुली, यदि अफगानिस्तान के साथ हम समझौता पीस नहीं करेंगे तो रशियन पेरिल होगा ही होगा, रशियन इन्फ्लुएंस होगा ही होगा, जिससे हमारा जो ब्रिटिश इंडिया है वो पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा। इसलिए अफगानिस्तान को कॉन्फिडेंस में रखना जरूरी था, चाहे वार से हो चाहे पीस हो, वार से कुछ नहीं हुआ फिर पीस का फ्रेंड बना लिया, ठीक है? क्योंकि वहाँ तो मैंने बोला ही है, ब्रिटिश हुआ फिर रसिया भी आया, रसिया फिर US भी अभी हार गया, तभी तो रिट्रीव करेगा, तो इतिहास गवाह है अफगानिस्तान को लेकर, ठीक है? और इतिहास दोहराता है, हमेशा बोलते हैं कि नहीं बोलते ये बात, इतिहास दोहराता है, तो इतिहास इस बार भी दोहरा रहा है कि रसिया भी वहाँ, US भी वहाँ पे रिट्रीव कर रहा है अपना, यही होता है बाबा। हमारे जो ब्लड है पूर्वज का है, तो हमारा सोचने, हमारा, हम तो खुद आर्यन से मिला हुआ चेहरा है हम लोग का, आर्यन लोग जो पहले वैदिक पीपल थे, स्पेशली वैदिक जो पीपल थे सेम हम लोग की तरह ही दिखते थे, जब इनसाइड कार्बन डेटिंग टेस्ट होता है और रिकंस्ट्रक्ट किया आता था, हु बहु हम लोग की तरह ही दिखते थे, क्योंकि मैंने तो बोला ही तुम लोग को पहले थी कि इस तो कंटिन्यू होकर चला है,
अब जाके कुछ दिन पहले हम बोल रहे थे तुमको कि अब हो सकता है कि थोड़ा चेंज करना पड़े, क्योंकि जो वेट है तुम्हारा वो ज़्यादा हो गया है इधर। तो इसराइल का ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये जो रिसर्च था, या कोशिश करो जानने का सभी। यहाँ पे एपोक का बात है, एपोच का बात था कि ये क्या है तुम्हारा पीरियड वाला जो चीज़ था कि पीरियड से छोटा है ना, समथिंग लाइक दैट। अब बात करेंगे एंग्लो सिंध कन्फ्लिक्ट। तो सिंध बाबू, सिंध जो था वो अमीर वाला था, अभी अफगानिस्तान का बात है। तो सिंध अफगानिस्तान के नीचे सिंध, जो कि पाकिस्तान का पार्ट है। तो देखो यहाँ पे सिंध वॉज रूल्ड बाय बलूची ट्राइब्स। देखो बलूची, वही बलूचिस्तान वाला जो अभी कहते हो, ठीक है। सिंध कहाँ पे तो जानते हो, वहाँ पे देख लो मिल जाएगा गेट, ठीक है। सिंध वॉज रूल्ड बाय बलूची ट्राइब्स एंड रूल्स वर नोन एज, रूलर्स वर नोन एज अमीर, अमीर टाइटल था उसका, बताए थे। थ्री ब्रांचेस थे, मैंने पहले ही बताया था तुमको, हैदराबाद, मीरपुर और खैरपुर, डायग्राम से बताए थे ये। अच्छा क्या, तो याद है तुमको वो डायग्राम ऐसे करके बना, तीन बना दिए थे मेंस में? हाँ मेंस में बनाए थे, यदि घर में बनाया हो तो तुमको पता होना चाहिए था, ठीक है ना। हैदर, हम क्या किए, सिंध को तीन भाग में कैसे बगावत किया गया तो सभी जान ही रहे हो तुम, उसमें चार्ल्स नेपियर का यहीं पर जिक्र होगा। देखो ब्रिटिश वे इंटरेस्टेड इन सिंध बिकॉज दे वॉन्टेड टू पुट अ चेक ऑन रशियन इन्फ्लुएंस, क्योंकि सिंध को कम से कम सिंध तक कंट्रोल कर लेंगे तो अफगानिस्तान पे जो कंट्रोल हो रहा है रसिया का वो नीचे तक ना आए, तो सिंध को करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा साम्राज्य शांतिपूर्वक रहे और जिस तरह हम चाहते उस तरह हम आगे बढ़ा सके। तो वही बोला कि ब्रिटिश वर इंटरेस्टेड इन सिंध बिकॉज दे वॉन्टेड टू पुट अ चेक ऑन रशियन पेरिल या इन्फ्लुएंस एंड टू स्ट्रेंथन नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर, अपना नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर जो फ्रंटियर है उसको स्ट्रांग करना चाहता था। द कमर्शियल एडवांटेज ऑफ रिवर इंडस ऑल्सो इन्फ्लुएंस द एंग्लो, क्योंकि देखो इंडस बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर, जैसे गंगा इतना इंपॉर्टेंट है उतना इंडस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। तो जो कमर्शियल एडवांटेजेस था इंडस को देख के, क्योंकि रिवर है तो या कमर्शियल एडवांटेज होगा ही, फिशिंग है, बहुत तरह का ट्रांसपोर्टेशन, बहुत तरह की चीज़ है ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एंग्लो सिंध वार हुआ है इस रीजन से। शुरू में क्या हुआ कि ब्रिटिश मेड फ्रेंडशिप ट्रीटी, अमीर से फ्रेंडशिप रिलीज ट्रीटी किया एंड ट्राई टू ओपन सिंध, बोला कि ओपन कर दीजिए सिंध को, आई विल गो, आई विल विजिट, ये वो फ्रेंडली रिलेशन रहेगा। फर्स्ट सच ट्रीटी वॉज साइन इन 1809 बाय लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ये दूसरा वाला मिंटो है, वो वाला नहीं है, ये दूसरा मिंटो है। लॉर्ड मिंटो से तुम्हारा ये 1809 में वो हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्रीटी वॉज साइन बाय विलियम बेंटिक, वही विलियम बेंटिक जो सती को ख़त्म किए थे, याद आ गया ना, 1829 में। देखो 32 में मैच कर गया, हाँ बिल्कुल इसी तरह करो। तो सेकेंड ट्रीटी जो साइन हुआ है फ्रेंडशिप का विलियम बेंटिक के टाइम में हुआ है 1832 में। दो दिस ट्रीटी गॉट राइट टू एंट्री एंड ट्रेड इन सिंध, इस राइट के हिसाब से इसके थ्रू क्या है कि ब्रिटिश जा सकता है वहाँ पर ट्रेड वगैरह कर सकता है, फ्रेंडशिप ट्रीटी है जी। ऑकलैंड, वही हाईलाइटेड द इशू ऑफ रशियन मिनंस, वही रशियन, ये बोला कि देखिए ऑकलैंड ऐसा है कि रशियन आ सकता है सिंध पे, ब्रिटिश खत्म कर देगा, इतना साम्राज्य किए वो किए, दिमाग में इस कैलकुलेशन चल रहा। तो उसके बाद क्या हुआ, ही साइन यानी कि ऑकलैंड साइन अ ट्रीटी इन अप्रैल 1838 एंड इस्टैब्लिश्ड ब्रिटिश मीडिएशन इन कन्फ्लिक्ट बिटवीन अमीर्स एंड सिख्स, क्योंकि सिख्स अभी एक्टिव है यहाँ पे, सिख एक्टिव है क्योंकि सिख को अभी कब्जा किया ही नहीं है। तो सिख और सिंध के बीच में, अमीर के बीच में मीडिएटर की तरह ब्रिटिश आ रहा है वहाँ पे मीडिएट करने के लिए, यस आई विल गिव जस्टिस टू यू, एंड गॉट परमिशन टू डिप्लॉय ब्रिटिश रेसिडेंट इन हैदराबाद, जो सिंध का एक एरिया है कि वो तीन प्रोविंस में डिवाइड है, तो हैदराबाद में हमारे रेसिडेंट्स को रहने दीजिए, बोला इट्स फाइन। लॉर्ड ऑकलैंड साइन अनदर ट्रीटी, फिर दूसरा एक तुम्हारा ट्रीटी साइन हुआ 1838 में, उसके बाद देखो फिर उसी साल जून में हुआ है, तो अप्रैल में हुआ उसी साल तुम्हारा जून में हुआ 1838 में हुआ साइन, दिस वॉज ट्रपटाइट ट्रीटी। तीन पार्टी इन्वॉल्व थे, ब्रिटिश थे, रंजीत सिंह थे और शाहसुजा था, शाहसुजा वही जो कि उसमें ऊपर वाला अफगानिस्तान वाला, ठीक है। बाय दिस ट्रीटी द इन्फ्लुएंस ऑफ रंजीत सिंह एंड शाह ओवर सिंध वॉज एंडेड, इस ट्रीटी के हिसाब से क्या कि शाहसुजा ना ऊपर का करेगा ना रंजीत सिंह करेगा, दोनों का इन्फ्लुएंस खत्म, ठीक है। शाहसुजा अग्रीड टू फॉरगो ऑल हिज क्लेम अगेंस्ट फिक्स पेमेंट, जो पेमेंट करना पड़ता था बहुत तरह का डिस्प्यूट था, बोला कि ठीक है खत्म कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है इट्स फाइन, क्योंकि ब्रिटिश ने उस तरह का समीकरण बना दिया वहाँ पे। इट वाज अ लॉर्ड एलेंगबोरो, ये लॉर्ड थे 1842 में एक्टिव थे ये, ठीक है, गवर्नर जनरल थे वो, इन्होंने प्लान बनाया था कि सिंध को कैसे कॉन्क्वेस्ट करें, और चार्ल्स नेपियर को अपॉइंट किया गया कि सिंध में, क्योंकि सिंध में तो मिल ही गया हैदराबाद में रहने का इंग्लिश रेसिडेंट को, तो वहाँ पे भेजा चार्ल्स नेपियर को, जाओ सिंध में रहो 1842 में, और ही एक्यूज द अमीर्स ऑफ हैचिंग प्लॉट्स, ठीक है, और कंस्पिरेसी एंड
इसने क्या किया, बोला वहाँ पे जाके आमिर को, क्या तुम ब्रिटिश के अगेंस्ट कर रहा है, तुम ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ कुछ कर रहा है ना, तो जानबूझ के मतलब हीटेड आर्गूमेंट करता हूँ आपके। अब इतना बुर्बक तो नहीं है, सिंध भी इतना बुर्बक तो नहीं होगा, क्योंकि जो बाहर से आके इतना साम्राज्य जता लिया तो वो भी तो वॉचफुल ही रहेगा, जो बात है। तो इसने क्या आरोप लगाया कि आमिर क्या कर रहा है, प्लॉट कर रहा है, ठीक है, और कंस्पिरेसी रच रहा है ब्रिटिश के अगेंस्ट, यानी कि आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इशू ऑफ सक्सेशन इन खैरपुर एंड ब्रिटिश इंटरवेन गिव, अब खैरपुर में तुम्हारा सक्सेशन कौन होगा, सक्सेसर कौन होगा, क्योंकि तीन प्रोविंस है, खैरपुर भी एक है, तो वहाँ पे तुमको ब्रिटिश को मिल गया मौका। अब ब्रिटिश इंटरवेन हुआ, वहाँ पे वार हो गया, और फाइनली सिंध को एनेक्स कर लिया। क्यों? क्योंकि बगावत हो गया, मैंने बताया था कि अंदर रेबेलियस ग्रुप को ये लोग जन्म दे दिया, सपोर्ट कर दिया, जो बताए थे मीन्स के उससे, तो उससे क्या हुआ, तुम्हारा सिंध को एनेक्स कर लिया गया 1843 में। उसके बाद चार्ल्स नेपियर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, जो कि वो रेसिडेंट थे वहाँ के। तो वही यही बोलता है कि हमको करने का ज़रूरत नहीं, वह फिर भी करेंगे, स्टेटमेंट उनका। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो एलन बोरो थे, याद आ गया सब चीज़। ये सभी चीज़ तुमको लिखाए थे इश्यूज़ में, लिखाए थे मेंस के उसमें इश्यूज़ में, और इसमें बहुत चीज़ नहीं है, और उधर बहुत सारा चीज़ है, दोनों क्लब्ड कर दो, रिच हो गया रिसोर्सेस, समझ गए ना। तो अब बात करेंगे एंग्लो फ्रेंच कन्फ्लिक्ट क्या हुआ था। देखो इन एंग्लो फ्रेंच कन्फ्लिक्ट थ्री वार्स कॉल्ड कार्नेटिक वार्स, ठीक है, ये तीन वार हुए हैं, जिसको बोलते हैं हम वांडी वार्स भी बोलते हैं। ये 1746 से 1763 तक हुआ था। फर्स्ट वार हुआ था 1746 से 48 तक। देखो ये क्या है, ऑस्ट्रियन सक्सेसन, ऑस्ट्रियन यही ऑस्ट्रिया जो तुम्हारे जर्मनी के बगल में है, ठीक है। कॉज वार क्या है, कॉज वार्स वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेसन स्टार्टिंग इन 1746। इसका बाबू तार जुड़ा हुआ तुम्हारा इंटरनेशनल हैपनिंग से भी। तो ऑस्ट्रियन सक्सेसन कौन होगा, वहाँ पर राजगद्दी किसका होगा बाहर। वार टूक प्लेस बिटवीन ब्रिटिश हेडेड बाई रॉबर्ट क्लाइव एंड फ्रेंच हेडेड बाई डुप्लेक्स एंड योर लावाडोन, लावाडोन करके तुम्हारा वो फ्रेंच का ही तुम्हारा है कोई कमांडर जनरल, और डुप्लेक्स भी है, डुप्लेक्स के बारे में तो बताए ही थे। तो इधर से फ्रेंच का दो कमांडर था, इधर से तुम्हारा रॉबर्ट क्लाइव थे। वार टूक प्लेस एट सेंट थॉम, वहाँ पे हुआ तुम्हारा। अब उससे क्या होगा, वार एंडेड इन, अब देखो ये सब वार तुम्हारा हो रहा है एंग्लो फ्रेंच कन्फ्लिक्ट, समझो ये वार सब बाहर हो रहा है, बाहर हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा, बाहर हो रहा है, समझो। और उसका इम्पैक्ट इंडिया में पड़ेगा, ठीक है। वार एंडेड इन कॉम्प्रोमाइज विद द एंड ऑफ वार ऑफ ऑस्ट्रिया, तो कॉम्प्रोमाइज करके छोड़ दीजिए, वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन खत्म करिए बात को, ये छोड़िए, यहीं पे मिट्टी डाल दीजिए। तो 1748 में खत्म हो गया। मद्रास विच वॉज कैप्चर बाय द फ्रेंच वॉज गिवन बैक टू द इंग्लिश, जो मद्रास को कैप्चर करके रखा था फ्रेंच ने, क्योंकि इसमें दिख गया कि एंग्लो जीता है, कि मैंने बोला कि वांडी वार्स पूरी तरीके से इंग्लिश ने हरा दिया, तो हराने का मतलब ये क्या है कि फिर वो मद्रास को देना पड़ा। यानी कि सभी ये फॉरेन वाले वार है, उसका असर क्या पड़ा है इंडिया पे, समझ में आ रहा होगा तुम लोग को, कहाँ वहाँ पे ऑस्ट्रियन सक्सेशन हो रहा है और इसका इम्पैक्ट किस तरह हो रहा है, राजगद्दी वहाँ का है, इंटरनेशनल हैपनिंग्स, इसका इंडिया पे क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि दोनों ही पावर एक्टिव है यहाँ पे। उसका सेकेंड वार देखो, इशू वॉज सक्सेशन इन हैदराबाद, ठीक है, एंड कर्नाटक। अब इसमें क्या सेकेंड वार में क्या है कि हैदराबाद में सक्सेशन किस तरह होगा, कर्नाटक में नीचे वाला जो एरिया है उसमें किस तरह सक्सेशन होगा। इन बोथ द स्टेट फ्रेंच सपोर्टेड नोमनीस वेर इंस्टॉल एज अ किंग, अब इसमें क्या कि फ्रेंच ने सपोर्ट कर दिया हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को कर दिया, कर्नाटक में चंदा साहिब को कर दिया। इससे क्या हुआ कि इंग्लिश अलार्म्ड हो गए, और इसने राइवल जो कंटेस्टेंट थे, इसके जो अगेंस्ट थे, उसको बोला कि ये राजगद्दी पे होना चाहिए। यानी कि ये लोग बाहर का आदमी है बैठ के, ये यहाँ का राजगद्दी पे बोल रहा है कि ये रहेगा, तो वो बोल रहा है कि वो रहेगा, तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। देखो इससे तुम्हारा कन्फ्लिक्ट हो गया वहाँ पे, और वार डुप्लेक्स वॉज डिफीटेड बाय क्लाइव, फिर रॉबर्ट क्लाइव ने हरा दिया डुप्लेक्स को, और डुप्लेक्स वॉज कॉल्ड बैक, फिर टायर्ड हो गया, और ही वन इन द कोर्ट, वहाँ कोर्ट में बोला कि चलो ठीक है, वहाँ पे कोर्ट में कार्रवाई होगा ना इसके ऊपर कि तुम कैसे हारा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो फिर कोर्ट में जस्टिफाइड था कि इसने अपना मेहनत किया था, बात करता, ठीक है ना। थर्ड वार हुआ, देखो बेसिक कॉज वॉज सेवन ईयर वार ऑफ यूरोप, यूरोप में जो वार हुआ था 7 साल का, उसका रिजल्ट है, ठीक है। तो कौन डे ले ली डुप्लेक्स को रिप्लेस किया, क्योंकि वो चले गए थे, है ना, बैक कर गए थे। बैटल ऑफ वांडी वॉज जो तुम्हारा 1760 हुआ था, जिसमें तुम्हारा एयरकूट इंग्लिश साइड से थे, इन्होंने डिफीट कर दिया तुम्हारा फ्रेंच को, जो कि बजी उसको नेतृत्व कर रहे थे। बैटल एंडेड फ्रेंच कमर्शियल एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस ही नहीं, देखो वांडी वॉज तो बोले ही थे, तो जितने भी तुम्हारे कमर्शियल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस था फ्रेंच का, ख़त्म हो गया वांडी वॉज से,
ठीक है, कि वो ये थर्ड वार है। फ्रेंच गॉट बैक ओनली फ्रेंच को छोटा सा मिला पुडुचेरी, जो कि लंबा समय तक पुडुचेरी रहा है उसका, और फ्रेंच इन्फ्लुएंस बंगाल एंडेड एवर, और जितना भी तुम्हारा बंगाल में भी थोड़ा बहुत एक्टिव था वो भी खत्म हो गया, पूरी तरीके से खत्म हो गया। दैट इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास।